नई दिशाएं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है लिंग भेद के अंतर के कारण पैदा हुई सामाजिक समस्याओं पर आधारित इस श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम संकल्प। अरे गोमती, ओ गोमती, अरे कोई है घर में? कौन है? अच्छा बुधवा। हाँ। अरे का बात है बुधवा, कैसन आए? मालकिन ने कहलवाया है कि तुम फौरन चली आओ। अरे पर बात का है? अरे शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं। हाँ। बहुत सा काम है। अरे भैया सुनो तो, ऐसे कैसे चलूं? अभी मेरे बच्चे स्कूल से नहीं आए हैं और बच्चों के बापू भी नहीं है घर पर। लेकिन मालकिन ने कहा था तुम्हें साथ लेकर आऊं। अरे तुम चलो ना, मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ, बच्चे आने ही वाले होंगे। ठीक है जल्दी आना। हाँ हाँ हाँ, अनीता मालकिन गुस्सा होंगी। हाँ हाँ जल्दी आ जाऊंगी। क्या करूँ, घर का सारा काम फैला पड़ा है और बच्चे अभी तक लौटे नहीं हैं। माँ 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 गए। चलो अच्छा हुआ, मैं तुम्हारी बाट देख रही थी। तुम कहीं जा रही हो माँ? हाँ मंटू, मालकिन ने फौरन बुलाया है। और खाना? दाल रोटी बना दी थी, भीतर रखी है, तुम दोनों खा लेना। और तुमने खाया माँ? अरे कहाँ खाया, अब समय ही नहीं है, मालकिन की कोठी पर ही कुछ खा लूंगी। और हाँ शीला, तू बर्तन साफ करके रख देना। अच्छा माँ। और हाँ, आज तो जल्दी में मैं कपड़े भी नहीं धो पाई, धो देना जरा। पर माँ आज मास्टर जी ने घर के लिए बहुत सारा काम दिया है, अगर ये सब करने बैठ जाऊंगी तो स्कूल का काम कब करूंगी? पढ़ाई का मतलब ये थोड़ी है कि घर का काम काज ही बंद हो जाए। अरे फिर जब तू बड़ी होगी तो यही सब तेरे काम आएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं। तो फिर मुझे स्कूल ही क्यों भेजती हो? अरे ज्यादा जबान नहीं चलाते, मेरे पास बहस करने का समय नहीं है, कपड़े नहीं धोएगी तो कल यही गंदे कपड़े पहनकर स्कूल जाना होगा, बाकी तेरी मर्जी, ये दरवाजा ठीक से बंद कर ले। माँ तुम कब लौटोगी? अरे क्या पता, देर भी हो सकती है, तेरे बापू आ जाए तो बता देना। और हाँ शीला, शाम के लिए सब्जी काट कर रख लेना बेटी। हाँ सब्जी काट के रख लेना, बस आज तो हो चुकी मेरी पढ़ाई। अरे तू क्या बड़बड़ा रही है, चल चल कर रोटी खा लेते हैं। मुझे नहीं खानी, तू जाके खा ले। अरे वाह, रास्ते में तो कह रही थी कि मेरे पेट में कीड़े दौड़ रहे हैं और अब कहती है रोटी नहीं खानी। तुझे क्या पता, इतना काम तुझे करना पड़े तब पता चले। माँ तो रोज इतना काम करती है अकेली, उसे स्कूल का काम तो नहीं करना होता ना। तो तू घबराती क्यों है, चल पहले खाना खा ले। खाना? मुझे भूख नहीं है। तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तू क्यों नहीं खाएगा? मैं तो वही करूंगा जो तू करेगी, तू बड़ी जो है। मैं बर्तन मांजूंगी, कपड़े धोऊंगी, सब्जी काटूंगी, तो तू ये भी करेगा? क्यों नहीं। हाँ सब्जी काटना जरा मुश्किल है, लेकिन और सब करूंगा। रहने दे रहने दे, ये सब लड़कों के काम है क्या? क्यों, झूठे बर्तनों या कपड़ों पर ये लिखा होता है कि हमें सिर्फ लड़कियां धोए? शैतान कहीं का। चल खाना खा लेते हैं, फिर दोनों मिलकर घर का काम निपटा लेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे। ठीक है? ठीक है चल चल। ओहो ये पतीला तो साफ ही नहीं होता, मैं मांझ कर देखूं? नहीं तू बर्तन धो धो कर रखता जा। अच्छा शीला दीदी। तू बड़ी होकर बस यही सब करेगी क्या? ये तो करना ही होगा। क्यों, तू स्कूल में मास्टरनी भी तो बन सकती है। उतना पढ़ूंगी तभी तो। तो पढ़ लेना, इतना आसान है क्या? लो बर्तन तो साफ हो गए। हाँ। अब कपड़े धो लेते हैं। ठीक है, तू साबुन लगाना मैं रगड़ूंगा, फिर तू धोना, मैं निचोड़ कर सुखा दूंगा। ना ना, निचोड़ कर मैं ही सुखाऊंगी,
तुझसे ठीक से नहीं निचड़ेंगे और शाम तक कपड़े भी नहीं सूखेंगे। अपने आप को तू बड़ी होशियार समझती है। वो तो है ही। अच्छा मंटू, तूने मेरे साथ काम कराया ये बात तू माँ से मत कहना। क्यों? वो मुझे डांटेगी। अच्छा नहीं कहूँगा। अरे चल चल जल्दी साबुन लगा, कपड़े धोकर पढ़ाई भी तो करनी है हमें। अरे हाँ चल चल। ज्यादा देर नहीं हुई। अरे तुम्हारे बापू नहीं आए? नहीं अभी नहीं आए। अरे वाह, आज तो शीला ने कमाल ही कर दिया, सारे कपड़े धो डाले। और तूने स्कूल का काम कर लिया? कर रहा हूँ वाह। और शीला क्या कर रही है? वो भी पढ़ रही है। बस कपड़े धोकर पढ़ने बैठ गई, बर्तन क्या मैं मांजूंगी? माँ तुम बिना देखे ही बोलने लगती हो, जाकर पहले देख तो लो। बहन की बड़ी तरफदारी कर रहा है। अरे आज तो शीला ने कमाल ही कर दिया, इतनी जल्दी सारा काम निपटाकर पढ़ने भी बैठ गई। बस कर लिया माँ। शाबाश बेटी, ऐसे ही रोज हाथ चलाया कर तो घर का काम भी हो जाएगा और तेरी पढ़ाई भी। क्या बात है, बड़ी हंसी आ रही है तुम दोनों को। अब बात ये है माँ, मैं बताऊँ? अच्छा तू ही बता दे। हुआ यूँ कि हम दोनों ने सोचा कि मिलकर घर का काम निपटा लेते हैं, फिर दोनों पढ़ाई कर लेंगे। अच्छा तो ये बात है, और मैं सोच रही हूँ कि आज शीला ने इतनी जल्दी सब काम कैसे कर लिया। मैंने तो कहा था माँ कि मैं कर लूंगी, पर मंटू ने कहा। हाँ माँ मैंने कहा था कि मैं हाथ बटाऊंगा। लेकिन बेटा तुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। माँ शीला को भी तो ध्यान देना चाहिए। अरे वो तो ठीक है, पर तुझे बड़े होकर नौकरी करनी है, इसका क्या है, जिसके घर जाएगी वो देखभाल करेगा इसकी। जैसे तुम्हारी देखभाल बापू करते हैं। मंटू मेरा मतलब है कि बापू तो काम करते ही है, पर तुम्हें भी तो करना पड़ता है। चुप हो जा मंटू। माँ तुम चिंता ना करो, आगे से मैं अकेले ही सब काम कर लिया करूँगी। नहीं दीदी, तेरे लिए भी तो पढ़ना जरूरी है, जानती है अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो उसे छोटे मोटे काम नहीं करने पड़ते। तू ठीक कहता है बेटा, अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो इससे अच्छा काम कर सकती थी। पढ़ी लिखी नहीं होना इसलिए पढ़ाई की कीमत भी नहीं समझती। माँ तुम पूरा मान गई, मेरा मतलब वो नहीं था। अरे नहीं पगले, तूने तो बड़ी समझदारी की बात की है। अब मैं शीला पर काम का इतना बोझ नहीं डालूंगी। इसका मतलब सारा काम तुम अकेले करोगी? नहीं माँ ये नहीं हो सकता, हम दोनों मिलकर सारा काम निपटा लिया करेंगे। और पढ़ाई? पढ़ाई भी करेंगे, लिखाई भी करेंगे और काम भी करेंगे। संकल्प, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख श्रीमती कांति देव, विषय संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार सुनीति कोहली, यमन कौशिक और मालती कौशिक, ध्वन्यांकन सतीश लाडे, निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत हो।